हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.2 करें उससे पहले इसके अंदर हम एक चीज़ यूज़ करने वाले हैं, 4.4। उसको जान लेते हैं कि 4.4 है क्या। ठीक है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। 4.4, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू 4 गिवन पॉइंट्स दैट इज नॉन कोप्लेनर। जो 4 पॉइंट हम लेंगे, जिस 4 पॉइंट से जो स्फीयर की इक्वेशन पास करेगी, वे पॉइंट कैसे होने चाहिए? नॉन कोप्लेनर। अगर कोप्लेनर हो जाते हैं तो स्फीयर वहाँ से नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या लेंगे? नॉन कोप्लेनर। अगर पॉइंट मेंशन भी नहीं है कि पॉइंट नॉन कोप्लेनर है, तो भी हम क्या करेंगे? अज्यूम कर लेंगे कि पॉइंट कैसे हैं, ये नॉन कोप्लेनर है। ठीक है, अंडरस्टूड है ये चीज़। पता है आपको जनरल इक्वेशन क्या होती है स्फीयर की? जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है। कैसे? ये इक्वेशन किसकी है? प्लेन की इक्वेशन है, सॉरी स्फीयर की। ये स्फीयर की इक्वेशन क्या करेगी? 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट से पास करेगी। सिंस पॉइंट पहले क्या लेते हैं, पॉइंट लेते हैं, लेट 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स आर x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 और Z3 एंड फोर्थ पॉइंट क्या होगा? X4 Y4 Z4। ये हमारे पास क्या है? 4 पॉइंट्स हैं। किसके? नॉन कोप्लेनर पॉइंट हमारे पास 4। इन पॉइंट से क्या करेगी? इक्वेशन ऑफ स्फीयर पास करेगी। ठीक है, सिंस इक्वेशन 1 पासिस थ्रू फोर पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली पास करेगी, इट मीन्स जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां पे ये कोऑर्डिनेट लिखना है, हमें y लिखा है तो ये लिखना है, z है तो वहां पे ये लिखना है। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है जहां पर भी x y z लिखा हुआ है। x के प्लेस पे क्या आएगा? x1 square प्लस, देखो x को x1 से रिप्लेस कर दो, y को y1 से, z को z1 से, सेम यहाँ पे। तो क्या बन जाएगी हमारे पास? y1 square प्लस z1 square प्लस 2ux1 प्लस 2vy1 प्लस 2wz1 प्लस d इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड, सेम। नेक्स्ट हमारे पास x2 square प्लस y2 square प्लस z2 square प्लस 2ux2 प्लस 2vy2 प्लस 2wz2 प्लस डी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन थर्ड, x3 square प्लस y3 square प्लस z3 square प्लस 2ux3 प्लस 2vy3 प्लस 2wz3 प्लस डी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फोर लास्ट, x4 square प्लस y4 square प्लस z4 square प्लस 2ux4 2vy4 2wz4 प्लस d इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? 4 इक्वेशन आ चुकी हैं। ठीक है, क्या क्या हमने जो प्लेन इक्वेशन हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन फर्स्ट, वो क्या करती है? इन 4 पॉइंट से पास करती है। ठीक है, पास करेगी तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इन इक्वेशन को हमें क्या करना है? सोल्व करना है। वो सोल्व करके हमको यहाँ से जो ये इक्वेशन हमारे पास आएगी, ये 4 इक्वेशन, इनको सोल्व करके हमें क्या निकालना है? कॉन्स्टेंट्स वैल्यू। ठीक है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू। कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या होंगे? यहाँ पे 4 कॉन्स्टेंट है। कौन से कॉन्स्टेंट होंगे? एक्स वाई जेड तो कॉन्स्टेंट है ही नहीं, तो क्या है? यू वी डब्ल्यू और डी, यू वी डब्ल्यू और डी, ये हमारे पास 4 कॉन्स्टेंट है। ठीक है, स्फीयर के इक्वेशन के अंदर हमारे पास ये 4 कॉन्स्टेंट है, U, V, W एंड D।
ये हमारे पास कॉन्स्टेंट हो गए। हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है एंड देन जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है इसके अंदर पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीयर की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ आपको यही काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से वैल्यूज निकालो और इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज से। सिर्फ इतना काम करना है आपको, फिन को सोल आउट करना है और इसमें सब्स्टिट्यूट। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज के, आपको फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यू वी डब्ल्यू डी, ये वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। अब ये देखते हैं कि आप अपना माइंड कैसे यूज करते हो फाइंड करने के लिए। इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सोल आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासिस थ्रू फोर पॉइंट्स। हमारे पास फोर पॉइंट गिवन है, 0, 0, 0। सेकेंड हमारे पास है 0, 1, -1। नेक्स्ट हमारे पास -1, -2, 0 और लास्ट हमारे पास 1, 2, 3। हमारे पास फोर पॉइंट्स गिवन है, इन फोर पॉइंट की हेल्प से हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ स्पीयर। आइए सोल्व करते हैं इसको। द जनरल इक्वेशन ऑफ स्पीयर इज क्या होगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन को साथ साथ आप बोलते रहा करो ताकि आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाइए, कोई आपको बुलाना भी चाहे तब भी आप भूल ना पाओ। ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। फोर पॉइंट हमारे पास है, फोर नो इक्वेशन वन, सिंस इक्वेशन वन पासिस थ्रू द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट हमारे पास, 0, 0, 0, 1, -1, -1, 2, 0, 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब पास कराते हैं इन पॉइंट्स को यहाँ से। ठीक है, 0, 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा हमारे पास, 0² + 0² + 0² + 0 + 0 + d = 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, d की वैल्यू 0। ठीक है, इक्वेशन पास कहाँ से हो रही है, ओरिजिन से। ओरिजिनल पॉइंट क्या होते हैं, 0, 0। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है एक कॉन्स्टेंट की। अब तीन कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमें और निकालनी है। कौन सा कॉन्स्टेंट, यू वी डब्ल्यू। डी की वैल्यू निकल चुकी है। अब सेकंड इस पॉइंट से पास कराते हैं, एक्स के प्लेस पे 0 पुट करना है, वाई के प्लेस पे 1 और जेड के प्लेस पे -1। आइए करते हैं, ये हमारे पास 0, वाई के प्लेस पे 1 करेंगे तो 1² 1, जेड इज -1 करेंगे तो ये भी 1 आएगा, -1 का स्क्वेयर। यहाँ पे ये टर्म 0 प्लस 2v, क्योंकि y की वैल्यू प्लस है, z की वैल्यू -1 है तो -2w और प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये 2 + 2v - 2w + d = 0। d की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 + 2v - 2w = 0 यूजिंग सेकेंड। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सेकेंड का यूज कर लिया डायरेक्ट अभी से, तो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से, u - w = -1। इतना काम हो गया। 2 हमने क्या किया, कॉमन ले दिया सभी में से, यहाँ 1 बचेगा, इस 1 को साइड लेके तो -1। यहाँ पे क्या हमारे पास है, v। यहाँ पे फिर मिस्टेक हो जाएगी, v - w = -1। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, दो पॉइंट पास हो गए। अब ये पॉइंट, x की वैल्यू -1 दैट इज 1 आएगी, y की वैल्यू 2 का स्क्वेयर 4 0। यहाँ पे u की वैल्यू -1 दैट इज
माइनस टू यू प्लस फोर वी, जेड वैल्यू जीरो है और प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। फिर अगेन यहाँ पे क्या करेंगे हम, डी वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, फाइव माइनस टू यू प्लस फोर वी इज इक्वल टू जीरो यूजिंग टू। सेकेंड हमने पुट किया यहाँ से, तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस टू यू प्लस फोर वी इज इक्वल टू माइनस फाइव। इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई, ये फोर इक्वेशन हो गई, फोर्थ। ठीक है, अब एक पॉइंट हो रहा था हमारे पास वन टू थ्री, इस पॉइंट को यहाँ पे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन हम इसको सोल्व करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, वन टू थ्री, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन प्लस टू का स्क्वेयर फोर प्लस थ्री स्क्वेयर नाइन प्लस टू यू प्लस फोर वी प्लस डब्ल्यू के वैल्यू क्या हमारे पास, थ्री सिक्स सिक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास आ गया। इसके अंदर हमने क्या कर लिया, डायरेक्ट यूजिंग सेकंड, सेकंड यूज कर ली, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आएगी, ये टू यू प्लस फोर वी प्लस सिक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू नाइन टेन फोर्टीन माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फोर फिफ्थ। हमारे पास इतना काम हो चुका है, फाइव इक्वेशन हमारे पास रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, एंड देन जो वैल्यूज आएंगी यू वी डब्ल्यू की और डी की, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, इतना काम हमें करना है। अब देखो हमारे पास यहाँ से क्या है, वी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ से माइनस टू यू प्लस फोर वी इज इक्वल टू माइनस फाइव, और यहाँ से हमारे पास, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ से हम क्या निकालते हैं, वी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से वी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन जो वी की वैल्यू, अगर हम वी की वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं फाइव के अंदर, तो यहाँ से डब्ल्यू का हो जाएगा टर्म, ये भी डब्ल्यू टर्म हो जाएगी, यू प्लस डब्ल्यू इक्वेशन बनेगी। तब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, वी हमारे पास आ चुका है, यहाँ से हमें वैल्यूज निकालने इसकी, U V V W टू यू प्लस फोर वी इज इक्वल टू फाइव। एक काम देखो, फोर एंड फाइव को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो हमारे पास देखो टू यू से टू यू कैंसिल हो जाएगा, V की टर्म और W टर्म हमारे पास बच जाएगी। ठीक है, क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन फोर एंड फाइव, इसका काम हमारे पास हो चुका है, ये हमारे पास इक्वेशन टू, ऐड फोर एंड फाइव। जब हम फोर एंड फाइव को ऐड करेंगे, देखो माइनस टू यू प्लस टू यू कैंसिल हो जाएगा, फोर वी प्लस फोर वी दैट इज एट वी। इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा यहां पे, प्लस सिक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस फोर फाइव माइनस फोर्टीन दैट इज माइनस नाइनटीन। ये हमारे पास हुई इक्वेशन नंबर सिक्स। अब v और w में हमारे पास इक्वेशन है हमारे पास ये रही, चलो इसको आप इसे यहीं पर लिख देते हैं हम। ठीक है, v माइनस w इज इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ पे v w इज इक्वल टू माइनस नाइनटीन। अब क्या करें, इस इक्वेशन को एट से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन थ्री बाई एट, देन हमारे पास क्या हो जाएगी, एट वी माइनस एट डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एट, इक्वेशन नंबर सेवन। इक्वेशन सेवन हमारे पास हो चुकी है, अब क्या करेंगे, यहां से हम सब्ट्रैक्ट सिक्स माइनस सेवन। अब हम सिक्स माइनस सेवन करने वाले हैं, यहां पर हमारे पास पुट करने के बाद यहां पे कोई काम नहीं इसका, देखो सिक्स माइनस सेवन एट वी माइनस एट वी कैंसल, सिक्स डब्ल्यू प्लस एट हो जाएगा हमारे पास फोर्टीन डब्ल्यू माइनस नाइनटीन माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा एक, माइनस नाइनटीन प्लस एट हमारे पास क्या गया यहाँ से, क्या ये माइनस नाइनटीन और प्लस एट,
तो माइनस 11 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। W की वैल्यू यहाँ से आई हमारे पास माइनस 11 बाई 14। W की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, D की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब इस वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से V माइनस माइनस प्लस 11 बाई 14 इज इक्वल टू माइनस 1, V इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 11 बाई 14, दैट इज हमारे पास 14 एक 25 डिवाइड बाई 14 माइनस 25 डिवाइड बाई 14, ये हमारे पास आ चुकी है यहाँ से V की वैल्यू, V की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, W की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, D की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तीन वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, एक वैल्यू रहती है U की। अब देखो U की वैल्यू को हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट पुटिंग इन किसके अंदर, 4 के अंदर, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे 4 के अंदर पुट करेंगे। आप ध्यान से साथ साथ समझते जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की वजह से जो इक्वेशन है वे ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। आप ध्यान से साथ साथ समझते रहिए, मुश्किल नहीं, बिल्कुल ईजी है। V के लिए हमारे पास आ चुकी है, अब V की हेल्प से हम ये निकालेंगे U, चलिए U यहाँ पे निकाल देते हैं, माइनस 2U प्लस 4, और V की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 25 बाई 14, तो माइनस 25 बाई 14 इज इक्वल टू माइनस 5, ये हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास माइनस 2U 2 और 7 माइनस 50 अपॉन 7 इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस 2U इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 50 अपॉन 7 माइनस 35 प्लस 50 अपॉन 7 माइनस 2U माइनस 2U इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 15 अपॉन 7 और 2 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 14, ये हमारे पास आ चुकी है U की वैल्यू, U की वैल्यू हमारे पास है, V की वैल्यू हमारे पास है, W की आ गई है और D की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, ठीक है। डी यू डब्ल्यू वी, ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ U, V, W, D इन इक्वेशन फर्स्ट, वी कैट, तो हमें क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस U की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है माइनस 15 बाई 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के माइनस 30 अपॉन 14 एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। हम इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे पास जो एलसीएम लेना है फिर क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा, तो माइनस 215 30 14, और वी के वैल्यू हमारे पास है माइनस 25 बाई 14, तो यहाँ से माइनस 50 बाई 14 वाई, और डब्ल्यू के वैल्यू हमारे पास आई है माइनस 11, तो माइनस 22 बाई 14 जेड, और डी के वैल्यू हमारे पास क्या है 0, ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं लिखा। अब देखो उसमें 14 है, एलसीएम ले ले 14 का, तो 14 यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 30x माइनस 50y माइनस 22z इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या जाएगा इसका आंसर, इक्वेशन ऑफ स्पीयर, यही क्या थी हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक बार आंसर इसका चेक कर लेते हैं, इन्होंने आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है, फर्स्ट उन्होंने क्या किया हुआ है, कंप्लीट में से 2 कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। जब हम कंप्लीट में से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 लेंगे तो 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 15, यहाँ पे 25 और ये क्या हो जाएगा फिर 11, ये हमारा आंसर है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है। हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है, अब बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट की। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, बिल्कुल ईजी है, कोई घबराने की बात नहीं है, बस ये देखना कि आप उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कैसे कर सकते हो।
ये आप पर है, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है इन्होंने, जीरो जीरो जीरो, देन हमारे पास है ए जीरो जीरो, जीरो बी जीरो, जीरो जीरो सी, ये हमारे पास आ चुका है। चार पॉइंट है, सेम काम करेंगे इसके अंदर भी हम। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज क्या होगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन फर्स्ट ये हमारे पास होगी। सिंस इक्वेशन फर्स्ट पासिस थ्रू जीरो जीरो जीरो, ए जीरो जीरो, जीरो बी जीरो, जीरो जीरो सी रिस्पेक्टिवली, अब पास कराते हैं इसको, एक्स के प्लेस पे जीरो, वाई के प्लेस पे जीरो, जेड के प्लेस पे जीरो, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, डी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, ए जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो जीरो और डी बचा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हम पास करेंगे ए को एक्स के प्लेस पे, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू जीरो होंगी, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ए स्क्वेयर और एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 2ua प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है। सेम यहाँ पे क्या करेंगे अब हम, ए स्क्वेयर प्लस 2ua इज इक्वल टू जीरो यूजिंग सेकेंड, हमने सेकेंड का यूज किया, डी की वैल्यू क्या किया यहाँ पे जीरो पुट कर दिया। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे u की, 2ua इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर, u इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2a, एक पावर कैंसिल, माइनस a अपॉन 2, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, ए की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, इक्वेशन थर्ड। अब देखो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट जीरो हैं, एक सिर्फ एक ही फील है, दो पे जीरो है, ठीक है, सेम यहाँ पे दो पे जीरो है, सेम यहाँ पे दो पे जीरो है, जो इसका आंसर आया है इसके अकॉर्डिंग हम वाई वी की और डब्ल्यू की वैल्यू लिख सकते हैं। सिमिलरली वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस ए था तो इसमें माइनस बी अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन फोर, और डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन टू, इक्वेशन फाइव। अब देखो हमारे पास यू की वैल्यू आ चुकी है, वी की, डब्ल्यू की और डी की, यूजिंग इक्वेशन टू थ्री फोर एंड फाइव, इन इक्वेशन फर्स्ट वी कैट, इन्हें क्या करना, हमें यूज करना फर्स्ट के अंदर, तो क्या आएगा हमारे पास, अब देखो एक्स स्क्वेयर एज इट इज प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, अब यू के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, माइनस ए अपॉन टू, अब देखो टू यहाँ पर भी है, टू वहाँ पर भी है, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, जब पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट बिल्कुल फिनिश, इजी सा पार्ट था।